लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित कमेटी और विधि आयोग की बैठक बुधवार को संपन्न हुई है। इसमें आयोग ने एक देश एक चुनाव का रोड मैप तैयार किया है, साथ ही तय कार्यकाल से पहले सरकार गिरने की स्थिति में अगले चुनाव तक क्या व्यवस्था रहे, इसके भी दो मॉड्यूल सुझाए हैं। पहला मॉडल तो यह है कि सरकार गिरने के समय लोकसभा या विधानसभा का कार्यकाल 2 साल से कम बचा हो तो ऐसी स्थिति में सर्वदलीय सरकार बनाई जाए, लोकसभा में इसे राष्ट्रीय एकता की सरकार भी कहा जाएगा। दूसरा मॉडल यह है कि सरकार गिरने पर मध्यावधि चुनाव हो तो यह 5 साल की सरकार के लिए नहीं बल्कि बचे हुए कार्यकाल के लिए ही कराया जाए। मध्य अवधि चुनाव भी तभी हो जब कार्यकाल 2 साल से अधिक बचा हो। आयोग ने इस सिफारिश की है कि सर्वदलीय सरकार में लोकसभा या विधानसभा में दलों की सदस्यों की संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, यानी कि सरकार का ढांचा सदन में संख्या बल के हिसाब से तय होगा। आयोग ने इस तरह की सरकारों के कंपोजिशन भी सुझाए हैं।